हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है ये चंपा का पौधा यानी प्लमेरिया का प्लांट है। ये इसको किस तरह के केयर करते हैं और देखिए इतने सुंदर इसके फूल किस तरह से लेते हैं उसके बारे में आज बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये परमानेंट फ्लावरिंग पेरेनियल प्लांट है। हमारे यहाँ इंडिया में ये बहुत ईजीली ग्रोइंग प्लांट है और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही बढ़िया आती है, इसलिए हमारे यहाँ इसको ग्रो करते हैं और इसको भगवान को हम इसको चढ़ाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हमारे यहाँ ग्रो करते हैं। इसके बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास ये वाइट है, पिंक और रेड, ये तीन कलर के पौधे अभी मेरे घर पे इसके अवेलेबल है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए, इसको पहले तो इसकी धूप की बात करें तो इसको 5-6 घंटे की धूप में हमें रखना है, तो ये इजीली इस तरह से फूल देते रहते हैं। देखिए, इसको धूप में रखने से इस तरह से सुंदर फूल रहते। इसको 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर सूटेबल है हमारे इंडिया के हिसाब से। हमारे गुजरात में भी इसका टेम्परेचर सूटेबल है इस चंपा के प्लांट का। इसको देखो, कटिंग करने से इस तरह के जो वाइट कलर का लिक्विड है वो निकलता है और इसको जो हमारी गाय और भेड़ बकरियां है वो खाते नहीं हैं। ये एडेबल प्लांट नहीं है, इसलिए हम इजीली इसको हमारे घर के बाहर भी लगा सकते हैं। तो वो जो ख़राब नहीं करते हैं, गाय और भेड़ बकरियां है इसको नहीं खाते हैं। नेक्स्ट, इसकी प्रोपोगेशन की बात करूँ तो इसको कटिंग से इजीली हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये हमारे बाहर घर के बाहर गार्डन में पिंक चंपा है हमारे यहाँ, उसकी कटिंग मैंने ली हुई है। तो इस तरह की थोड़ी सेमी हार्ड कटिंग को हम लगाने से इजीली ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। इसमें आपके पास रूटिंग हार्मोन हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मॉनसून में इजीली इसकी कटिंग लग जाती है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम रहती है। देखिए, हमारे घर के बाहर ये इतना बड़ा जो चंपा है, वाइट चंपा का पौधा लगा हुआ है, तो इसमें फंगस का प्रॉब्लम कभी कभी रहता है। इसके जो पत्ते होते हैं उसमें ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं, तो उस समय हमें एंटी फंगल पाउडर का उसका स्प्रे बनाकर भी इसका छंटकाव करना चाहिए। और इसका जो ट्रंक होता है उसमें भी ब्राउन डॉट आ जाता है कभी कभी। अभी देखिए, एकदम हेल्दी है हमारा चंपा का ये ट्रंक है, तो इसमें जब भी ब्राउन डॉट आ जाए तभी इसमें एंटी फंगल पाउडर या स्प्रे बनाकर उसका छंटकाव करना चाहिए। और प्रिवेंशन के दौर में भी हम उसको एंटी फंगल का स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, ये पिंक चंपा का कटिंग मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, और इसकी हमें अच्छी तरह से प्रूनिंग भी करती रहनी चाहिए। जो ऊपर की टिप होती है जहाँ से हमारे फ्लावर झड़ जाते हैं, यहाँ पे अभी जो दो कलियाँ आई हुई है ये खिल जाएंगी और झड़ जाएगी, तब इतना पार्ट हमें कट कर देना है, इसको हमें प्रूनिंग कर देनी है। तो वहाँ नीचे से 2-3 टहनियाँ खिलेगी, नहीं निकलेंगी, तो उस तरह से इसका प्रूनिंग करता रहना चाहिए। देखिए, ये रेड चंपा है मेरे घर की दूसरी साइड पे, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए, अब इसकी कटिंग किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, ये चंपा की कटिंग है मेरे पास, इस तरह की थोड़ी मोटी स्टेम हमें लेनी है और यहाँ से इसको सीधा कट करना है, इस तरह से प्रॉपर शेप में शार्प कट करना है, इस तरह से शार्प कट होना चाहिए। और जो हमारी आगे की जो एक्स्ट्रा लीव्स है उसको हमें निकाल देना है। जो एक्स्ट्रा लीव्स है जो हमारे ग्रोथ को, चंपा के ग्रोथ को अटकाती है, तो इसलिए उस सभी को हमें निकाल देना है इस तरह से।
और इजीली कोई भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। देखिए इस तरह से मैंने सारी पत्तियाँ को निकाल दी है और इसको हमें इस तरह से मिट्टी में डाल देना है तो इजीली ये ग्रो हो जाएगा। कोई भी मिट्टी में चंपा इजीली ग्रो हो जाता है। तो हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें हमें 40% रेत रखनी है और बाकी की 30% सोइल, और हम गोबर की खाद भी ऐड कर सकते हैं। खाद की बात करें तो इससे इसको फॉस्फरस से भरपूर खाद चाहिए इसकी फ्लावरिंग के लिए। हम गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम वर्मी कंपोस्ट या एनपीके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो इसको गमले में लगा रहे हैं तो इसको खाद अच्छी तरह से हमें देना है। हर महीने में एक बार इसको एक मुट्ठी भरकर गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट देते रहना है तो ये इजीली इस तरह से ग्रो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।